अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ बोटी फ्राई, ईद स्पेशल रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। 1 kg बोनलेस बीफ ले लिया है और इसे क्यूब्स में कट कर लिया है। स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 tablespoon ज़ीरा पाउडर, 1 tablespoon नमक, 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 tablespoon लाल मिर्चों का पाउडर, 2 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट, दही 1/2 कप, चिली पेस्ट ऐड कर रही हूँ 2 tablespoon। चिली पेस्ट बहुत ही आसानी से बन जाता है। सिंपली हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना लेके उसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। इसके अलावा बिहारी बोटी मसाला ऐड कर रही हूँ 1/2 tablespoon। टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ 1/2 tablespoon। तमाम इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दिया है। अब इसे हम अच्छी तरह मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। हाफ कप ऑयल ले लिया है मैंने। इसे गर्म होने के बाद इसमें मैरिनेटेड बीफ ऐड कर दिया है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर इसे मीडियम फ्लेम पे गोश्त गल जाने तक पकने देना है। जब बीफ गल जाए तो इसे 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पे भून लेंगे। ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप कोयले का धुआं लगाएं, और अगर नहीं पसंद तो आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए, मज़ेदार बीफ बोटी फ्राई रेडी है। इसे रायते और सैलड के साथ सर्व करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।